गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पुल स्कूल। टुडे दिस इज अवर फिफ्थ वीडियो क्लास ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस ऑफ 10th क्लास साइंस। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने रीड किया था किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। एक बार आपको दोबारा से बता देते हैं जो लास्ट में जो फाइनल कंक्लूजन रहा था उसके बारे में, ठीक है। देखो जो डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, जो कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया था कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो, अगर आपने देखी है, छोटी आंत के अंदर बहुत सारे न्यूमरस यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी आकृति जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वीली बोलते हैं, ठीक है। वीली का फिगर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, दिखाया था, ठीक है। तो उससे क्या है कि अब्जॉर्प्शन का यानी कि जो ग्रहण करने का, ठीक है, जो सरफेस एरिया है, जो क्षेत्र है, वो बढ़ जाता है किसका, ठीक है, छोटी आंत का, ठीक है, विली के कारण। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि जो विली है, ठीक है, देखो पहले तो क्या है, छोटी आंत के अंदर पूरी तरह से भोजन अवशोषित हो जाता है, ठीक है। कौन करता है उसका अवशोषण, छोटी आंत के अंदर विली होती है, ठीक है। और विली के अंदर क्या होता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। विली के अंदर रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। जो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट यानी कि जो कंक्लूजन निकला था, ठीक है, यानी कि जो आपके यहाँ पर देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट बने थे, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड के अंदर, यानी कि अब हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट किस में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज है। और फैट किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप देखोगे जो अमीनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, कौन इनका अवशोषण कर लेता है, विली कर लेती है। और विली इनको, विली के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इसको आगे ले जाते हैं और आगे ले जाकर ये किसके अंदर छोड़ देते हैं, या फिर कौन इनको प्राप्त कर लेता है, आपकी कोशिकाएं यानी कि सेल। और उस इस एनर्जी से, ठीक है, इनसे मिलने वाली एनर्जी से, ऊर्जा से, वो जो अपने जो आपके जैव प्रक्रम है, ठीक है, यानी कि ऐसी प्रक्रियाएं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है शरीर के लिए, उनको पूरा करने के लिए इस एनर्जी का उपयोग वो करती है, कौन, कोशिकाएं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक था, ये आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। अब आगे देखो, आगे जो हमारा चैप्टर है उसको, सॉरी, आगे जो हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया और ले लेना चाहिए, ठीक है, वो और आपको बता देते हैं, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इस फिगर में ये है आपका ब्लड फ्लो ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ये आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसका टॉपिक नहीं आया है, आपको अभी एक बार इसकी बेसिक सी नॉलेज ले लेनी है, ठीक है, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें, ठीक है। तो ये आपका ब्लड फ्लो ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके लंग्स हैं, जिसको हम हिंदी में फेफड़े बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट के क्या कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं वैसे, ठीक है, ये आपका नॉलेज के लिए है, ठीक है। जब हार्ट को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको अच्छे से पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका, सबसे पहले ये आपकी रोटा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी, यहाँ से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा ब्लड है, ठीक है, ऐसा रक्त जिसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है, वो आती है, ठीक है, वो रक्त यहाँ पर आता है और हार्ट के अंदर पंप होकर कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से होते हुए देखो, यहाँ से होते हुए जो ये डी ऑक्सीजनेटेड, देखो ब्लू लाइन्स, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, यानी कि जो जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है वो लंग्स के अंदर जाता है वो ब्लड, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, लंग्स के अंदर जाता है। अब ऑक्सीजन क्या है, लंग्स जब हम सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है, ठीक है, भरती है, तो यहाँ से इस ब्लड के अंदर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन मिश्रित हो जाती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या, कैसा ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऐसा रक्त जो ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो, ठीक है। फिर ये वापस आकर कहाँ जाता है, हमारे ब्लड, सॉरी, हार्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है, दोबारा से फिर ये हमारे हार्ट के अंदर आ जाता है और हार्ट इसको जो हमारे शरीर के वेरियस ऑर्गन हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंग हैं, उन तक दोबारा पहुंचा देता है, ठीक है। ये आपका एक बेसिक सा प्रोसीजर था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर मिश्रित होती है, रक्त के अंदर, ठीक है।
अब आगे हम जो हमारा टॉपिक है मेन वो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे हार्ट कैसे क्या लेना देना। ठीक है, मैंने अभी बताया था श्वसन लंग्स के अंदर जो हार्ट है रक्त जो हमारा दिल है ठीक है वो क्या करता है रक्त को भेजता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर वो दोबारा से दूसरे जो अलग अलग अंग हैं हमारे शरीर के वहाँ पर भेज देता है। ठीक है, इनके अंदर क्या है एक कनेक्शन है डीप, वो आपको समझना होगा। ठीक है, देखो अब ये है कि वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। पिछला जो सेक्शन है ठीक है पिछले अंश में हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीवों के अंदर वो कैसे होता है पोषण। ठीक है, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब क्या है कि जो भोजन पदार्थ ठीक है लिया गया था ठीक है पोषण के दौरान प्रक्रिया के दौरान पोषण की प्रक्रिया के दौरान उसका उपयोग जो सेल्स हैं हमारी कोशिकाएं हैं वो किस में करती हैं अलग अलग जैव उपक्रम में करती हैं उस ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी है। अब आगे देखो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वे यानी कि जो अलग अलग जीव हैं ठीक है यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो इसका उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। किसका उपयोग इस एनर्जी का। ठीक है, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए यानी कि तोड़ने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज अब देखो आप सोचोगे ग्लूकोज कहाँ से आ गई, मैंने अभी अभी बताया कोशिकाएं जो ऑक्सीजन है ठीक है किसे मिलती है रक्त के अंदर मिलती है। ठीक है, ठीक है, और वहीं से जो रक्त है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाओं को। ठीक है, और वैसे ही रक्त ही क्या करता है जो भोजन छोटी आंत के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली के द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि उसके अंदर क्या रहता है अमीनो एसिड भी रहता है आपका ग्लिसरॉल भी रहता है ग्लूकोज भी रहता है। ठीक है, रक्त ही ग्लूकोज को क्या लेके आता है अपने थ्रू हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके अंदर जो कोशिकाएँ उपस्थित हैं उनके उन तक पहुँचाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन भी रक्त ही पहुंचाता है और जो भोजन है कोशिकाओं तक ऊर्जा के लिए जिसका वो उपयोग करती हैं वो भी रक्त पहुंचाता है। अब जैसे ही देखो कि अब कोशिका के अंदर देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोशिका के अंदर जाने के बाद जो आपका ग्लूकोज है ठीक है तो कुछ जीवों के अंदर ग्लूकोज को तोड़ लिया जाता है। ठीक है, कुछ जीवों के अंदर उसको तोड़ लिया जाता है किसकी उपस्थिति में आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कुछ जीवों के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करके सेल तक नहीं लेके जाता। ठीक है, कुछ जीवों में ठीक है इंसानों के अंदर तो ऐसा होता है ह्यूमंस के अंदर ऐसा होता है लेकिन कुछ जीवों में ऐसा नहीं होता जहाँ वहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया था और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होती है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, कहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपको पता होना चाहिए किसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आपको सेल का जो बेसिक नॉलेज है वो होना जरूरी है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को बोलते हैं। ठीक है, आप देखो ग्लूकोज जो सेल के अंदर कोशिका के अंदर उपस्थित होता है वो ग्लूकोज टूट के ठीक है क्या बना लेता है देखो ये है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6C6H12O6। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है ग्लूकोज का। ठीक है, अब ग्लूकोज है वो फर्दर टूट के क्या बना लेगी 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना लेगी जिसको हम क्या बोलते हैं पाइरूवेट बना लेगी। ठीक है, फर्दर टूट के पाइरूवेट बना लेगी। ठीक है, और कई बार क्या आता है जो पाइरूवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जब क्या हो ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, यानी कि या फिर ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना हो कमी नहीं बिल्कुल ही ना हो तब कौन से प्रोडक्ट बनेंगे आपके। ठीक है, पाइरूवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा नीचे टेबल है इससे आपको समझ में आ जाएगा ये देखो। ठीक है, इससे आप समझ में आ जाएगा कि जो सबसे पहले जो ग्लूकोज सेल के अंदर आती है ठीक है कौन लेके आता है रक्त लेके आता है। ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले टूट के क्या बनाती है पाइरूवेट बनाती है। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाती है। ठीक है, शायद C3 O4 या फिर H
एच फोर एच ध्यान नहीं एग्जैक्ट मेरे को, ठीक है आप देख लेना बुक के अंदर, ठीक है इस ये पाइरूवेट का फॉर्मूला आप बुक में देख लेना, बुक में नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटती है पाइरूवेट के अंदर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपने देखना है। उसके बाद अगर ये डिपेंड करता है कि जो जीव है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन का वो उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कितनी है, कम है ज़्यादा है, ठीक है, ये आगे की प्रोसेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है। देखो पाइरूवेट अगर अब्सेंस है ऑक्सीजन की, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनता है प्रोडक्ट, इथेनॉल, ठीक है, पाइरूवेट से आगे टूट कर किस पाइरूवेट किस में टूट जाता है फिर, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं, यीस्ट के, ठीक है, यीस्ट के अंदर, ठीक है। अब आप देखो इथेनॉल होता है शराब, जिसको हम बोलते हैं ना अल्कोहल, ठीक है, ये इथेनॉल क्यों बोलते हैं या हम आपको जब इसका नोमिक्लेचर हुआ कार्बन कंपाउंड्स का वहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये इथेनॉल है शराब है, आपने कई बार अगर प्रैक्टिकली आपने कभी भट्टी देखी है शराब की, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर उस बर्तन को जिसमें शराब तैयार की जाती है उसको पूरी तरह से ढक दिया जाता है, ना है तो उसके अंदर हवा अंदर जाती है ना ही हवा बाहर आती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और वहाँ पर कौन काम करेगा फिर, यीस्ट काम करेगा, ठीक है। फिर उसको इस पाइरूवेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर, ठीक है, आगे बात समझें। अब अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, कमी है, ऑक्सीजन तो है लेकिन थोड़ी सी कमी है, फिर ये जो पाइरूवेट है वो आगे फर्दर कैसे डिवाइड होगा, वो बनाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या है कि जब हमारा शरीर कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या फिर दौड़ते हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें नींद आने लग जाती है वैसे, ठीक है, थकावट होकर नींद आने लग जाती है वैसे तो, लेकिन लैक्टिक एसिड से क्या है, जब लैक्टिक एसिड मेन जो इसका यहाँ पर जो बताएंगे इससे होता क्या है, लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है हमारी मसल्स के अंदर, ठीक है, क्रैम्प आने शुरू हो जाती है, ठीक है, क्रैम्पिंग, जब आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा है, देखा हुआ कि खिलाड़ी जब 100-150 रन बना लेता है उसके बाद थक जाता है और उसके जो पैरों के अंदर, ठीक है, कभी कभी खिंचाव आने लग जाता है, ठीक है, क्रैम्प आने लग जाते हैं, और फिर एक वहाँ से जो डॉक्टर रहता है, ठीक है, या फिर वहाँ का जो फिजिकल एक्टिविटी जो प्लेयर्स के देखता है वो वहाँ दौड़ कर आता है और फिर उसको कुछ पिलाता है, ठीक है, और ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, तो ये क्रैम्प आ जाती है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, मसल्स के अंदर, ठीक है, इन आवर मसल सेल्स, देखो यहाँ पर बता रखा है मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, ऐसी सेल्स के अंदर जहाँ जो मसल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये था पाइरूवेट का, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, तब क्या पाथ बनेगा, जब पाइरूवेट जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तब क्या बनेगा, ठीक है, तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये आपको जो याद रखना है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, एक या फिर दो दो नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे बोल रखा है पाइरूवेट के आगे पढ़ते हैं, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, जो पाइरूवेट है वो कहाँ पर बनता है, कोशिका द्रव्य के अंदर बनता है। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि आगे जो पाइरूवेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है, कब, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, अब्सेंस हो, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यानी कि जब किण्वन, फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन, किण्वन की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, ये यीस्ट के अंदर होता है, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर, कि जबकि ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है, जो हवा है या फिर ऑक्सीजन है उसकी अब्सेंस में हुई है, ठीक है, ये घटना ऑक्सीजन की अब्सेंस में घटी है, तो इसलिए इस रेस्पिरेशन को, इस तरह के श्वसन को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो यानी कि जो ब्रेक डाउन है पाइरूवेट का, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन का ये यूज हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है वहाँ पर ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ आवर सेल बोलते हैं। आगे है दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द थ्री कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव
थ्री मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान जो तीन मॉलिक्यूल वाला तीन कार्बन मॉलिक्यूल वाला जो पाइरूवेट है, ठीक है, वो टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तीन मॉलिक्यूल वाला कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और जो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपका पानी, ठीक है। ये आपके आगे देखो, सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जबकि ये जो प्रक्रिया है ये हवा की उपस्थिति में घटित हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले वाला था एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जो अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में हुआ था, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की या फिर एयर की प्रेजेंस में हुआ था उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर जो जो ऊर्जा का, ठीक है, जो उत्सर्जित होती है ऊर्जा, ठीक है, निकलती है वो एरोबिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है, यानी कि जो एरोबिक प्रक्रिया है आपकी, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा होती है किसी कंपैरिजन में, एनारोबिक प्रक्रिया के कंपैरिजन में, ठीक है, यानी कि एनारोबिक प्रक्रिया से जो ऊर्जा है वो कम प्राप्त होती है और एरोबिक से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। आगे है, समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, कि जब हम क्या है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे मसल्स के अंदर, मैंने अभी बताया था आपको ऊपर, ठीक है, तो जो अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इज टेकन, यानी कि पाइरूवेट को तोड़ने का, ठीक है, फिर टूटने का जो एक और तरीका होता है अपना लेता है पाइरूवेट, ठीक है, पाइरूवेट अपना एक तीसरा रास्ता अपना लेता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन तो होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, तो जो तीसरा है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस बिल्डअप ऑफ हेयर द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, यहाँ पर जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी क्या है, एक थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, लैक्टिक एसिड भी थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉल्ड क्रैम्प्स, कि कभी कभी क्या होता है कि जो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, हमारी मसल्स के अंदर, इससे क्या हो जाता है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, क्रिया कर रहे होते हैं, ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या आते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। आपने स्थानीय भाषा में सुना होगा जब कभी आपके मम्मी पापा शिकायत करते हैं कि मुझे तो पैर में बाटा आ गया, ठीक है, तो जो बाटा है उसी को क्या बोलते हैं, क्रैम्प्स बोलते हैं। आगे बात समझ रहे, हाँ, तो ये जो आपकी ये लेसन था आपका, आज हम यहीं तक कवर करेंगे, ठीक है। आगे जो बचा हुआ भाग है इसका, वो हम आगे आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप से उम्मीद है कि आप जो हमारी पिछली वीडियो क्लासेस हैं, ठीक है, उनको रेगुलर देख रहे होंगे और उनको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। जब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे, तब तक आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, चलो वीडियो क्लोज करते हैं, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।